तो चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं। तो ये पार्टी ही वही है, कन्फ्यूज का पार्टी। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरी पार्टी तो कलाकार है ही, वो खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में टकराहट हो रहा है और नीतीश कुमार ललन सिंह को सेट कर रहे हैं, यही काम में लगे रहे कि नीतीश कुमार भाजपा में जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी भाजपा में जा रहे हैं तो ललन सिंह रोके हुए हैं। अरे तो इसलिए मीडिया उनका है, वो मीडिया के माध्यम से ये सब दुष्प्रचार करते रहेंगे। देश को ठगने का काम अगर किसी ने किया है 10 साल में तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये पार्टी जो है मोदी जी खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी तो है ही कलाकार, लेकिन इस अरे यार हल्ला मत कीजिए। इस देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरी पार्टी तो कलाकार है ही, वो खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं। वह 2014 में आप लोगों ने उन्होंने क्या कहा, अति पिछड़ा का मैं बेटा हूं। भाई हम फिर से कहना चाहते हैं, कई बार हम कह चुके कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप में अगर साहस है तो आप यह बताइए कि आप जिस समाज में पैदा हुए वह समाज पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ, पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ यह आप बताइए। तो जो पिछड़ा वर्ग घोषित ही हुआ 1999 में, तो अति पिछड़ा कहां से हो गया? और गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? गुजरात में कोई अति पिछड़ा वर्ग नहीं है, बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां अति पिछड़ा वर्ग को आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा वर्ग करके उसको सम्मानित करने का काम किया और उसको पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग को अलग करने का काम किया। तो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने यह काम किया है बिहार। सब दिन हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हैं, आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी बैठे हैं, हम सब लोग उनके साथ कंधा से कंधा मिला के, उनके कदमों से कदम मिलाकर चलने का काम करते थे। और बिहार में अगर अति पिछड़े वर्ग की पहचान और अति पिछड़े वर्ग की के प्रति न्याय का प्रारंभ शुरुआत अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में किया। लेकिन मोदी जी भी बन जाते हैं अति पिछड़ा और लोग भी उस भ्रम में फंस जाते हैं। अब बताइए ना, 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम चाय बेचते थे, कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे आज तक उन्होंने नहीं बताया। हम फिर आज इस सम्मेलन के माध्यम से मोदी जी से मांग करते हैं कि आपने जो 2014 में कहा कि हम चाय बेचते थे, किस स्टेशन पर आप चाय बेचते थे यह आप खुलासा कर दीजिए, देश की जनता को तो पता चल जाएगा। तो चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं। तो ये पार्टी ही वही है, कन्फ्यूज का पार्टी, कान में कुछ कुछ प्रचार करता रहेगा, इधर से उधर भ्रम फैलाता रहेगा। आज देश का जितना मीडिया हाउस है, यहां जो साथी हैं हम उनको नहीं कर रहे, यहां जो मीडिया के साथी हैं वो तो मने मन समझ रहे होंगे कि सही है बोल रहा है, लेकिन जो इनके मैनेजमेंट है, इनकी जो व्यवस्था है, उस सब पर उनका नियंत्रण है और उसके माध्यम से दुष्प्रचार करने का काम करते रहते हैं। कभी कहेंगे मीडिया में देखिएगा 4 दिन तक चलता रहेगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में टकराहट हो रहा है और नीतीश कुमार ललन सिंह को सेट कर रहे हैं, यही काम में लगे रहेंगे। कभी प्रचार करेंगे कि नीतीश कुमार भाजपा में जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी भाजपा में जा रहे हैं तो ललन सिंह रोके हुए हैं। अरे नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने जितना अपमानित करने का काम किया है, हम नहीं समझते कि कभी नीतीश कुमार जी के सपने में भी भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात होगी। अभी आए थे तो इसलिए मीडिया उनका है, वो मीडिया के माध्यम से ये सब दुष्प्रचार करते रहेंगे, करते रहने दीजिए उनको, उनका काम यही है। मीडिया वालों को यह लगता है कि वो जो खबर दिखाते हैं उससे जनता प्रभावित होता है, उनको गलतफहमी है। कोई जनता प्रभावित नहीं होता है, जनता वास्तविकता देखती है और वास्तविकता को जनता ने पहचाना है कि देश को ठगने का काम अगर किसी ने किया है 10 साल में तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। देश को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है।